स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए स्तन के दर्द से संबंधित वीडियो। स्तन का दर्द आमतौर पर स्तनपान कराती माँ को 3 में से 1 कारणवश होता है। यह वीडियो दिखाएगा कैसे जांचें और इलाज करें इन 3 समस्याओं का, जो हैं स्तन का सख्त या कड़क होना, दूध की बंद नलियां और स्तन का इन्फेक्शन। दूध से भरे स्तन सख्त या कड़क महसूस होते हैं। यह अक्सर तभी होता है जब शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद माँ को पहली बार दूध आता है, और यह तब भी होता है जब शिशु बार बार स्तनपान न करे या सही से स्तन से ना जुड़ा हो या स्तन को खाली ना करता हो। दोनों स्तन भरे और सख्त होंगे और उनमें दर्द भी होगा। पहले देखें कि क्या शिशु अच्छे से जुड़ा है। अगर नहीं तो माँ को शिशु को स्तन से गहराई से जोड़ना सिखाएं। फिर उसे समझाएं कि स्तनों की कठोरता को कैसे कम करें। इसके लिए बताई गई 6 बातों का पालन करें। पहला, दूध के बहने के लिए माँ स्तनपान के पहले एक साफ हल्का गर्म गीला कपड़ा कुछ देर तक अपने स्तनों पर रखे। दूसरा, हल्के हाथों से स्तन की मालिश और गोलाकार तरीके से उंगलियों को स्तन पर घुमाने से भी फायदा होगा। तीसरा, अपने हाथों से थोड़ा सा दूध निकालें, इससे शिशु को स्तन से जुड़ने में आसानी होगी। चौथा, अक्सर स्तनपान कराएं, कम से कम हर 1 से 2 घंटों में। पहले स्तन को अच्छे से खाली करें, फिर दूसरे स्तन से पिलाएं। पांचवा, स्तन पर शिशु की जगह बदलते रहें, इससे स्तन पूरी तरह खाली होगा। और आखिरी, स्तनपान के बाद अपने हाथों से तब तक दूध निकालें जब तक कि स्तन नरम और आरामदायक न लगे। सख्त स्तनों को खाली न करने से उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। स्तनपान के बाद दोनों स्तनों पर 5 से 10 मिनट तक ठंडा कपड़ा रखने से स्तनों को आराम मिलेगा। दूध की बंद नली स्तन के एक हिस्से में ठोस और महसूस होने वाली गांठ जैसी लगेगी। इससे माँ को बुखार नहीं होगा और वह ठीक रहेगी। ऐसा तभी होगा अगर दूध ठीक से न निकले। उदाहरण के लिए, अगर शिशु ठीक से न जुड़ा हो या स्तनपान के समय स्तन पर दबाव डाले। ध्यान से माँ को स्तनपान कराते देखें। अगर जरूरत हो तो शिशु को स्तन से गहराई से जोड़ने में मदद करें। स्तन खाली करने के लिए शिशु का अच्छे से स्तनपान करना जरूरी है। अब बंद नली से आराम पाने के लिए 4 बातों का पालन करें। पहला, हर 1 से 2 घंटों में और शिशु के भूखे होने पर स्तनपान कराने की सलाह दें। दर्द वाले स्तन से पहले पिलाएं। अगर वह स्तनपान नहीं करा सकती तो दूध का बार बार निकालना जरूरी है। दूसरा, स्तनपान से पहले बंद नली वाले भाग पर गर्म गीला कपड़ा रखने से दूध के निकलने में मदद होगी। तीसरा, स्तनपान के समय माँ से धीरे से लगातार बंद नली वाले हिस्से को दबवाएं। यहाँ शिशु स्तन को चूस कर मदद करता है और माँ दबाकर। आखिरकार बंद नली को खोलने के लिए स्तनपान के समय उस हिस्से को उंगलियों से गोल गोल घुमाकर मालिश करते हुए बगल से निप्पल तक ले जाएं। अच्छे से कई बार स्तनपान कराने से बंद नली पर असर होगा और 2-3 दिन में वह ठीक हो जाएगी। बंद नली का इलाज न किया जाए तो आगे जाकर उसे स्तन का इन्फेक्शन हो सकता है। वह गांठ सूज कर लाल और दर्द भरी हो जाएगी, जिससे कि उसे बुखार होगा और ठीक नहीं लगेगा। अगर उसे बहुत सूजी हुई दर्द वाली गांठ हो
तो वह एक पीप वाला फोड़ा बन सकता है, जिसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाना होगा। स्तन के इन्फेक्शन में ये पक्का कर ले कि शिशु स्तन से अच्छे से जुड़ा है। फिर बंद नली के इलाज के लिए बताई गई 4 बातों का पालन करें। पहला, इन्फेक्शन वाले स्तन से शुरू करते हुए बार बार स्तनपान कराएं। इस स्तन का दूध शिशु के लिए अच्छा है। दूसरा, उसी स्तन पर गर्म गीला कपड़ा रखें। तीसरा, स्तन को हल्के से दबाएं और आखिर में स्तन की हल्के से मालिश करें। याद रखें कि स्तन के उस भाग में बहुत दर्द होता है। स्तन के इन्फेक्शन में सिर्फ स्तन के पेशी को इन्फेक्शन होता है, दूध को नहीं। यह दूध शिशु के लिए अच्छा होता है। उसे स्तनपान से या अपने हाथों से इन्फेक्शन वाले स्तन का दूध लगातार निकालना चाहिए। अगर माँ को HIV इन्फेक्शन है तो उसे स्वस्थ स्तन से स्तनपान कराना चाहिए, ना कि इन्फेक्शन वाले स्तन से। बुखार के उतरने तक उसे अपने हाथों से दूध निकालकर फेंक देना चाहिए, फिर शिशु दोनों स्तनों से पी पाएगा। माँ को डाइक्लोसेक्सालिन जैसी दवाई दें। दर्द और बुखार में वह पैरासिटामोल दवा ले सकती है। उपचार के बाद 1 दिन तक सुधार न होने पर उसे वापस बुलाएं। अगर स्तन में इन्फेक्शन है तो वह बीमार है, उसे काम नहीं करना चाहिए। उसे बिस्तर में रहकर बहुत सारी पीने की चीजें लेनी चाहिए। याद रखें, जब स्तन सख्त हो तो वे भरे हुए, कड़क और दर्द भरे होंगे। स्तन में महसूस होने वाली गांठ एक बंद नली हो सकती है। अगर उसे बीमार लगे तो उसे स्तन का इन्फेक्शन हो सकता है। हर तकलीफ में शिशु का स्तन से अच्छे से जुड़ा होना और दूध का बहना पक्का करें। स्तनपान कराते रहें या हर 1 से 2 घंटों में अपने हाथों से दूध निकालें।